तो अभी मेरा जो है थेपले का ऑर्डर है, तो मैंने थेपला तो बना लिया, इसको अरेंज करना है अच्छे से। और ये पूरा फैला हुआ है, मैंने थेपला बनाया था। और ये मिर्ची मैंने कट की तो उसका है, और ये मिर्ची फ्राई कर रही हूँ। इतना करके मुझे पैक करना है और पहुँचाना है, आज उनको लेके जाना है जिनका भी है वो ट्रैवल कर रहे हैं। और पूरा किचन में थेपला बनाया तो इस तरह से हो गया है आटा। अभी उसको साफ करूँगी, फिर ये सब में पैक करूँगी क्लीन करके किचन। और ये फ्राइड मिर्ची है अजवाइन वाली। तो मुझे थेपला पैक करना था ना, तो मैं ये फॉइल यूज़ करती हूँ, बट ये पता नहीं उस टाइम मिला नहीं मुझे, ये वाला फॉइल यूज़ करती हूँ। तो इमरजेंसी में मेरे पास ये था, पूरा पैक सील पैक था, तो वो मैंने निकाला। तो इतना ही पीस अच्छा निकला, इतना ही जो थेपला था वो भी कवर ना हो सके उतना निकला। और बाकी का रोल आप पूरा देखोगे ना तो ये ऐसा निकला है, पूरा दिख रहा है आपको किस तरह से है पूरा। मैंने थोड़ा खोल के देखा कि क्या है ये रोल, ऐसा क्यों है, ये पूरा रोल इस तरह से निकला। तो मैं भी ये यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी, मैंने काफ़ी खोल के देखा कि चलो थोड़ा आगे ही होगा तो पीछे थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन नहीं, ये ऐसा ही है। और ये कुछ 72 मीटर का है रोल, और देखिए पूरा कैसा निकला है। अभी मुझे कस्टमर केयर में फ़ोन करना पड़ेगा कि इसका क्यों निकला है रोल ये, मेरे लिए तो ये पूरा यूजलेस ही हो गया अभी। और सील पैक था पूरा। अभी मैं इसे वापस रोल करके रख देती हूँ, मैं कस्टमर केयर में फ़ोन करूँगी, देखती हूँ वो लोग क्या रिप्लाई देते हैं। सच में इमरजेंसी में हमारे पास चीज़ है लेकिन हम यूज़ नहीं कर पाते ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये वाला अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बट उस टाइम में इमरजेंसी में मुझे मिला नहीं, लेकिन फाइनली मैंने ढूंढा तो मिल गया, तो फिर मैंने इसी में पैक किए थे, पहले इसमें नहीं किए। और मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ खमन का आटा, जो मैं इंस्टेंट रखती हूँ, वो मेरे फ्रेंड्स ने मंगवाया है तो मुझे भेजना है उनको। और दीवार पे जो मैंने कपड़ा लगाया है वो मेरा जो मैंने बनाया हुआ था चाकड़ा, उस पे कृतांश शक्ति ने किस डाला तो वो टूट, उसका प्लास्टिक का कवर जो है वो फट गया है, तो मुझे वो करवाना है। लेकिन वो जहाँ पे शॉप है जो लेमिनेशन करते हैं वो फ़िलहाल अभी मैं वो साइड नहीं गई हूँ, तो मैंने एज़ इट इज़ वैसे ही रखा है। मैं जब भी जाऊँगी तो मैं लेके जाऊँगी। और अभी तो मुझे दोनों चाकड़ा को करवाना पड़ेगा, एक चाकड़ा में भी वो दोनों ने पता नहीं कुछ किया था तो वो भी फट गया है। और फिलहाल मैंने नीचे उतार के उसे रखा क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें रेशम का धागा मैंने यूज़ किया हुआ है, अगर नीचे कहीं पे भी रखूँगी और कुछ इंसेक्ट्स लग जाएंगे तो वो पूरा ख़राब कर देंगे, इसीलिए मैंने दीवार पे लगाया हुआ है। इसके पीछे भी मैंने जो लक्ष्मण रेखा चौक आता है वो चाकड़ा के पीछे पूरा लगाया हुआ है, ताकि इसके अंदर कोई भी इंसेक्ट्स जो है वो लग ना जाए, इसीलिए मैंने भी कपड़ा लगा के दीवार पे ही टांगा रखा है। जब भी मैं जाऊंगी शॉप में लेके जाऊंगी। और यहाँ पे मैं पैक बना रही हूँ, तो जब मैं इंस्टेंट खमन बनाती हूँ तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे आटा लेते हैं। अभी लॉकडाउन में मेरी बिल्डिंग में भी काफ़ी लोग मुझसे आटा वो लिया, क्योंकि वो ईजी रहता है बनाना, सिर्फ पानी ऐड करना है और बनाना है, तो कुछ लोग लेते हैं मेरे से। तो मैं घर पर ही, मेरे घंटी है, फ्लोर मिल है, तो मैं बना के रखती हूँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जैसे ही कोई बोलता है कि हमें चाहिए तो उस हिसाब से बना के दे देती हूँ उनको पैक। तो ये पैकेट मैंने रख दिए रेडी करके, क्योंकि मुझे आज उनको देने के लिए जाना है। तो हम जा रहे हैं डीमार्ट, मैं और कृतांश कृतिक जा रहे हैं। वो भी बोले मम्मी आज हमें भी आना है, एक्चुअली उनको मैं लेके नहीं जाती हूँ, लॉकडाउन के बाद वो फर्स्ट टाइम गए थे डीमार्ट में,
और मैं सुबह ही लेके गई थी क्योंकि सुबह भीड़ नहीं रहती है तो थोड़ा क्राउड से भी बचा जाए और हमारा बात करना भी बाकी है। तो फिर हम घर पे जाके फिर बात कर लेंगे। तो ये ब्रेड जो थी वो इस तरह से सूख हो गई है, ड्राई हो गई है। देखिए आवाज आ रही है तोड़ने पे, ये एकदम टोस्ट की तरह हो गई है। तो इसे अभी मुझे ग्राइंड करना है, इसका चूरा बनाना है। तो अभी मैं इसका चूरा बना दूंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके ही पीसना है। तो ये ब्रेड क्रम्ब जो है हमारे रेडी है, इसे ड्राई ब्रेड क्रम्ब बोलते हैं और फ्रेश भी बनते हैं। इसे आप किसी भी कटलेट्स में या कोफ्ता में कहीं पे भी ऐड कर दो। ये ऐड करने के बाद आप कुछ भी चीज़ फ्राई करते हैं तो वो ऑयली नहीं होती है, जबकि फ्रेश ब्रेड क्रम्ब जब हम ऐड करते हैं तो वो ऑयली हो जाती है चीज़। तो इसे अभी मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। आपको घर में याद है, चल बड़ा करके दिखता हूँ। ये देखो ये रही, जो ये रेड ड्रेस है और वो एक पहाड़ पे ऐसे भर मेरा मेट्रो स्टेशन बना रहे हैं। वहाँ देखिए क्या करके हाल उसका, उसने वो पहाड़ ऐसे डंप ट्रक मिट्टी से कर रहा था और हम लोग वहाँ देख रहे थे। और यहाँ देखे रोड रोलर के, हमको लगा यहाँ रोड रोलर की निशानी है ना, वहाँ से आएगी बना हुआ तो वहाँ से आ रही है। तो मेरा भाई पोटी जा रहा है, तो वो गाड़ी में जो औरत दिखाई दे रही है वो हमारी मम्मी है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तो अभी मैं मिट्टी लेके आई हूँ सामने से, इसे अभी मैं बालकनी में रख दूंगी। थोड़ा सुखाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बारिश की वजह से थोड़ा बहुत मॉइस्चर है। तो अभी मैं बालकनी में रख देती हूँ और इसको भी रख देती हूँ, इस एलोवेरा को। ये कृतांश कृतिक तोड़ते रहते हैं, देखो ये एक तोड़ दिया ये वाला, यहाँ से तो मैंने काटा था, फिर ये यहाँ से भी वो लोग ने तोड़ दिया। तो ये दोनों तोड़ते रहते हैं तो मैं सोचती हूँ कि अभी इसको बालकनी में ही रख दूँ।
तो आज के लंच में है पापड़ की सब्जी, प्याज, फ्राइड मिर्ची, मसाला वाली भाखरी और बटर मिल्क। कृतान श्रुतिक ने खाना खा लिया, मैंने उनको गर्मा गर्म भाखरी बना के दी और अभी मैं मेरे लंच के लिए बैठ गई हूँ। तो कृतान श्रुतिक की आज स्टडी जो बाकी थी वो मैं करवाने बैठी, लेकिन वो दोनों तो देखो मस्ती में है और मैंने तो पेपर बनाए थे तो वो मैं पेपर एक है और एक अभी नहीं है, पता नहीं कहाँ पे मैंने रख दिया या कृतान श्रुतिक ने कुछ कहीं पे छुपा दिया, मिल ही नहीं रहा है, तो मुझे अभी वापस दोबारा वो पेपर बनाना पड़ेगा। मुझे ना कृतान श्रुतिक के बाल भी कटवाने हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये देखिए दोनों यहाँ पे भी देखिए कितने बड़े हो गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास जो ट्रिमर था फिलिप्स का, तो एक बार गलती से मैंने उसको ओवर चार्ज कर दिया तो वो ख़राब हो गया, तो हम लोग क्रोमा से हम लोग ने लिया था, तो क्रोमा में हम गए कि उसका कुछ रिपेयर या कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन फ़िलहाल अभी वो लोग रिपेयरिंग का काम कुछ भी ले नहीं रहे हैं, तो हमको अभी हमें वो मना किया है। तो अभी इतने टाइम तक मैंने मेरे भाई का ट्रिमर ला के उन दोनों के बाल कट किए थे घर पे, बट अभी मेरा भाई भी जो है वो गुजरात गया है और वो ट्रिमर साथ में लेके गया है, तो अभी मुझे डर लग रहा है कि मैं बाहर लेके उनको हेयर कटिंग के लिए नहीं लेके जाना चाहती, बट अभी देखती हूँ मैं क्या करूँ। बाल अच्छे भी नहीं लग रहे हैं और पहली बात तो उनको पसीना बहुत ही आता है, तो मैंने राकेश को भी बोला कि अभी देखते क्या करते हैं, शायद न्यू लेंगे या क्या करेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन वो उस दिन गलती तो मेरी थी, मैंने ट्रिमर को ज़्यादा चार्ज कर लिया तो वो ख़राब हो गया। ट्रिमर को ज़्यादा चार्ज कभी भी नहीं करना चाहिए, उस पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहते हैं, उनके टाइम के लिए ही चार्ज करना पड़ता है, बट मैंने ओवर चार्ज कर दिया तो वो ख़राब हो गया और नया ही था ट्रिमर, हमने इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा क्योंकि अभी ज़रूरत भी थी ट्रिमर की और तभी वो ख़राब हो गया। देखते अभी आगे क्या करते हैं, और तो मैं अभी उनको उनकी स्टडी करवाती हूँ क्योंकि उनको नीचे जाना है खेलने के लिए। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड टेक केयर।